स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है और पहले कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी, आज के टाइम में हम कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज आपको पता होगा, लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाना है तो आप किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हो, या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज। और ह्यूमन लैंग्वेज में आप यूज़ करते हो या तो इंग्लिश यूज़ करते हैं, या तो आप हिंदी यूज़ करते हैं, या कोई दूसरी भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आपको शायद ये पता होगा कि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेजेस नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, या तो फिर हम इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, आप हर चीज को 0-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट के लिए, हर एक वर्ड के लिए आप 0-1 का कुछ कोड लिखोगे। जैसे हाई के लिए कुछ अलग कोड रहेगा, हेलो के लिए कुछ अलग कोड रहेगा, ए के लिए कुछ अलग कोड होगा 0-1 का, बी के लिए कुछ अलग कोड होगा। तो आप हर एक वर्ड के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए मैं 0-1 तो याद नहीं कर पाऊँगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। बट इनिशियली जब कंप्यूटर्स आए थे तो इन्हीं लैंग्वेज का यूज़ करके, मतलब बाइनरी का यूज़ करके ही प्रोग्राम्स बनाए जाते थे। इसको सिंपल किया गया और इसके बाद जो लैंग्वेज आई वो थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में 0-1 का कोड तो नहीं होता है, इसमें कुछ कमांड्स हमारे पास होती हैं, जैसे एडिशन के लिए 8, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, ठीक है। डेटा आपको एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में शिफ्ट करना है तो MOV कमांड होती है। तो ये थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी लैंग्वेज के, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में नंबर्स होते हैं और नंबर्स याद करना हमारे लिए काफ़ी टफ होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर्स आपको कितने याद होंगे, 3-4 याद होंगे, लेकिन नाम तो बहुत सारे याद होंगे। तो असेंबली लैंग्वेज में 0-1 नहीं होता है, इसमें कमांड्स होती हैं और इन कमांड्स को हम बोलते हैं निमोनिक कोड्स। निमोनिक का मतलब होता है एब्रिविएशन। किसी भी चीज़ को जब हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जैसे जनवरी को JAN, फरवरी को FEB, तो इस एडिशन का 8, सब्ट्रैक्शन का सब, डेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो MOV कमांड का यूज़ करते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर अभी भी क्या समझता है, 0-1 समझता है। अगर मैं असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम बनाऊंगा तो एक सॉफ्टवेयर रहेगा असेंबलर, जो कन्वर्ट करेगा हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को, ठीक है। असेंबलर नाम का सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करेगा हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को 0-1 में। और अब ये दोनों लैंग्वेज आती हैं लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में। असेंबली को भी लो लेवल कहा जाता है, बाइनरी को भी लो लेवल कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपने ये 0-1 का कोड याद भी कर लिया तो हो सकता है कि पुराने प्रोसेसर पे 0-1 का कोड ए के लिए कुछ अलग है और नए प्रोसेसर पे थोड़ा सा वो चेंज हो गया, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज में हम जब कोड लिखते हैं तो वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। तो इन दोनों के ड्रॉबैक्स की वजह से आज के टाइम में हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में आप क्या यूज़ करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जो लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो हमें समझ में आता है वो हाई लेवल, और जो हमें समझ में नहीं आता, जो हम यूज़ नहीं करते, उसको हम लो लेवल बोलते हैं। अगर मैं C++, जावा का यूज़ करूँगा तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रहेगा जिसका नाम रहेगा कंपाइलर, जो हमारे C++ जावा के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा किसमें, 0-1 में, मतलब लो लेवल में। तो फ्रेंड्स, हाई लेवल लैंग्वेज काफ़ी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी और असेंबली के। ये क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज से ही मिलती है, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड ही इसका, जो इसमें आप वर्डिंग लिखोगे वो इंग्लिश ही रहेगा। अगर बस आप इसका थोड़ा सा सिंटेक्स समझ जाओ, कहाँ सेमीकोलन लगाना है, कहाँ ब्रैकेट्स लगाना है, ठीक है, तो आप इसमें आसानी से कोड लिख सकते हो एज़ कम्पेयर टू असेंबली और बाइनरी के। सो फ्रेंड्स, हम C++ जावा में जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है कंपाइलर का। सो फ्रेंड्स, ये था लैंग्वेज का एवोल्यूशन, कैसे कैसे लैंग्वेजेस आई। लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए, और कम्युनिकेशन अभी हमें
करना है कंप्यूटर से। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन हमारे लिए टफ होता है, तो हम यूज़ करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। फिर हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम रहेगा कंपाइलर का। सो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से आई थिंक आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय फॉर नाउ।